राजा वीर विक्रमाजीत बठियारी की शरण में सराय लेते हैं प्रेमी श्रोताओं। और बठियारी अपने बेटे को कदे नवाण लाग जावे, कदे उसके लाड करण लाग जावे, तो वीर विक्रमाजीत बैठे बैठे देखते रहते हैं कि बठियारी कदे इस बालक ने नवाण लाग जावे, कदे इसके लाड करण लाग जावे। कारण नहीं पता कि ये क्यों रो रही है। और वीर विक्रमाजीत सवाल करने लग जाते हैं कि इन नारियों के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, एक रागनी के माध्यम से क्या कहते हैं, आइए सुनेंगे। कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी। होया उदास तेरा कैसा सुने
बलिहार पसीना सुखे यो सरकी बने पछेरे में देना के दुखे दूर करनी या ताकत सवेरे में के दुख दूर करनी या ताकत सवेरे में यो क्योंकि मैं इस दुनिया के दुख दूर करता हूं। कोई डरने की बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है। ईसा गुस्सा आदमी नहीं हूं, बढ़िया ठोड़ ठिकाने का मैं आदमी हूं। अंतिम कली के माध्यम से अपना ठिकाना बताता है। क्या कहने लगा चला के सार सीख लिया।